नमस्कार जी, पंजाब में आपका स्वागत है। विनोद, ये कौन सी मशीन है? ये हेवी ड्यूटी माल स्टील वाली 2 HP और 5 HP से चलने वाली मक्का ग्राइंडिंग मशीन है, जो कि पोल्ट्री फीड में यूज आता है। ये सिंगल फेस से भी चलेगा, थ्री फेस से भी चलेगा? सिंगल फेस से भी चलेगा और थ्री फेस से भी चलेगा, दोनों से चलेगा। अच्छा जी, इसकी खासियत क्या है? इसमें क्या है कि आप यहाँ से भी माल डाल सकते हो, यहाँ से भी ग्राइंडिंग हो जाएगा आपका। अच्छा जी, और यहाँ से भी हापर में से ग्राइंडिंग हो जाएगी, मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास। मसाले ग्राइंडिंग करना तो आगे से ग्राइंडिंग होंगे? जी हाँ, मसाले करना तो यहाँ से हो जाएंगे आपके मसाले। अच्छा। दलिया टाइप माल आएगा आपका। अच्छा, मसाले ग्राइंडिंग करोगे ना, वो अतकुटाई जैसे वो आता है ना मसाले। अच्छा जी, जैसे ही आपका माल निकलेगा। अच्छा जी, जी हाँ, यहाँ से भी अपना क्या होता है, आप मक्का डाल सकते हो, मक्का ग्राइंडिंग हो जाएगा। अच्छा, मक्का गेहूँ ऊपर से हो जाएगा? जी अनाज ऊपर से हो जाएगा। जी हाँ, इसके अंदर क्या लगा रहता है? इसके अंदर पूरा ये कटर लगा रहता है, पूरा हार्ड टेम्परी ब्लेड जिसके अंदर धार दोनों साइड। अच्छा, पिन सिस्टम है? जी हाँ, ये पिन सिस्टम है इसके अंदर। अच्छा जी, और ये एक यहाँ पे जाली लगती है पूरी ये। अच्छा जी, फुल जाली रहता है? जी हाँ, ये पूरा फुल जाली मशीन रहता है, ये पूरा जाली लगा रहता है ऐसा। बहुत बढ़िया। और यहाँ पूरा ये ग्राइंडिंग करता है, ये जो पत्ती रहती है ये यहाँ पे पत्ती रहती है, पूरा आपस में टकरा के पूरा माल बढ़िया पाउडर ग्राइंडिंग हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे ये बड़ी मशीन 5 HP वाली? जी हाँ। और 3 HP वाली सेम ऐसी रहती है? 3 HP वाली भी सेम ऐसी है आपका। ये देखना, 3 HP भी सेम डिजाइन है आपका। अच्छा जी, जी हाँ, ये पूरा ये पिन सिस्टम है, पूरा मतलब पूरा हार्ड है। बहुत बढ़िया मशीन, हैवी ड्यूटी है बिल्कुल, पूरा हैवी ड्यूटी है मशीन। अच्छा, जैसे मेरे घर में गाय भैंस हो 15-20, उनके लिए बढ़िया जाए? उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया मशीन। अच्छा जी, मतलब 100 गाय भैंस तो 5 HP बढ़िया चलेगी? जी हाँ, और जैसे मैं जो मसाले करता हूँ, मसाले के लिए वो बहुत बढ़िया मशीन है। अच्छा जैसे जी, कि आपको मसाले दो बार भी ग्राइंडिंग होते हैं। अच्छा जी, एक बार आप इसमें कर दो, दोबारा मशीन में डाल दो, तो आपका एक नंबर काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोनों मशीन। और इसके अलावा अपने पास 5 HP और 3 HP में ये ब्लोअर साइक्लोन टैंक वाली भी मॉडल तैयार है। अच्छा जी, ये भी सेम मशीन है? जी हाँ, ये सेम मशीन है। अच्छा जी, यहाँ से माल जैसे रहता है इसका, यहाँ बोर लगा दो, ये पूरा माल ब्लोअर सिस्टम है, जो माल पूरा खींच के यहाँ से पूरा ग्राइंडिंग होके ब्लोअर द्वारा ये पूरा साइक्लोन टैंक से नीचे आ जाएगा। ये ब्लोअर वाली मशीन है, इसके अंदर भी सेम ऐसे ही लगा? इसके अंदर भी सेम डिजाइन ऐसी है। अच्छा जी, ये देख, पूरा हैवी है। बहुत बढ़िया, मतलब तो मशीन दोनों सेम है? जी हाँ, ये ब्लोअर वाली है और ये बिना ब्लोअर की? ये बिना ब्लोअर वाली है। अच्छा जी, ये अपने को 5 HP में भी तैयार है और अपने 3 HP में भी तैयार है। अच्छा जी, जी हाँ, और ये आपको कुछ भी नहीं करना रहता, इसके साथ क्या MCB स्विच भी साथ में आता है। अच्छा जी, भी साथ में आती है, एक जाली साथ में आती है। अच्छा जी, और MCB स्विच आता है, आपको सिर्फ जाके सिर्फ चालू करना रहेगा। बहुत बढ़िया, और आपकी मशीन प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे ये तो मैंने कैटल फीड मशीन देख ली, अगर मेरा बड़ा काम हो कैटल मशीन का, उसके लिए मशीन जो पत्ती वाली रहती है और मिक्सर रहता है उसका? जी हाँ, उसके लिए भी अपने पास मशीन है। अच्छा जी, ये उसके लिए मशीनें आती है अपनी, जैसे 2 HP से लगा के तो अपने पास 175 HP तक तैयार है। अच्छा, ये पत्ती वाली मशीन है? ये पत्ती मीटर पत्ती वाली मशीन है। अच्छा जी, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें अपना ये ग्राइंडर मशीन के उच्च कोटि के बेरिंग लगाए जाते हैं, NTN जापान कंपनी के बेरिंग निर्मित लगाए जाते हैं, जो कि काफी लंबे समय तक चलते हैं, ग्रीस आयल का खर्चा भी कम आता है। अच्छा जी, मशीन को बिना फाउंडेशन से चलाई जा सकती है, और इसमें आप नमक सोडा कांच शीशा मार्बल वेस्टेज के चिप्स दाना पोल्ट्री फीड में लगाने वाले सभी पदार्थ पिसाई कर सकते हैं। अच्छा जी, मतलब पोल्ट्री फीड भी ग्राइंडिंग हो जाएगा, नमक भी ग्राइंडिंग हो जाएगा? जी हाँ। अच्छा जी, जैसे मेरा बड़ा काम है पोल्ट्री जो बहुत बड़ी है, 4,000-5,000 की है, तो उसमें अपने को मिक्सर भी लगाना पड़ता है, उसमें क्या रहेगा? मिक्सर मिल जाएगा अपने पास? जी हाँ, मिक्सर भी मिल जाएगा अपने पास। ऑटोमेटिक करने के लिए एलिवेटर मिल जाएगा? एलिवेटर भी मिल जाएगा, ये एलिवेटर है आपका। अच्छा जी, एलिवेटर सब साइज के तैयार रहते हैं अपने पास? और मिक्सर 10 HP तक, और अपना मिक्सर भी अपने पास है, एक एचपी से लगा के तो अपने 50 HP तक मशीन तैयार है। मतलब प्रति बैच 10 किलो से लेके 6,000 किलो तक का रेडी है अपने पास? प्रति बैच। जी हाँ। अच्छा जी, ये अपना पूरा मतलब मुर्गी दाना मिक्स कर देगा? हाँ, पूरा ऑटोमेटिक प्लांट हो जाएगा। अच्छा, जैसे मछली के लिए मैंने पैलेट बनाने, पैलेट मशीन मिल जाएगी अपने पास? मशीन भी मिल जाएगी। इस बुक में सारी जानकारी है? जी हाँ, इस बुक के अंदर सारी जानकारी दी गई है एक कैटल फिट मशीन के बारे में। अच्छा जी, और भी मशीनें जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी है इसके अंदर। मुझे मंगवानी हो, कैसे मंगवा सकता हूँ बुक में? मंगवाने के लिए सिर्फ अपना नाम एड्रेस पता मैसेज करना पड़ेगा इन नंबरों पे। अच्छा जी, तो आपको ये कैटलॉग निःशुल्क भिजवाया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। अच्छा, ये मेरे आप घर पे निःशुल्क भेजोगे? जी हाँ, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। मैं आपको कॉल करूंगा, एड्रेस भेजूंगा, आप मुझे भेज दोगे? जी हाँ। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारी मशीनें तैयार है, यहाँ भी तैयार है, इधर भी तैयार है, ये सामने अपनी फैक्ट्री है पूरी।
ये सारी मशीनों की जानकारी इसमें, सारी मशीनों की जानकारी कैटलॉग के अंदर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भी अपने अच्छा जी, ये घर वाली आटा चक्की है, ये घर वाली आटा चक्की है सभी। अच्छा जी, छोटे मॉडल में, बड़े मॉडल में, सभी मतलब 1 HP 2 HP सभी में, सभी मॉडल में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये देखो इधर, ये आटा चक्की है पार्ट वाली अपने पास। अच्छा जी, ये अपने 1 HP 1.5 HP 2 HP 5 HP 7.5 HP सभी उसमें तैयार है। और ये अपनी राइस मिल है। अच्छा जी, 3 HP की। इसमें क्या क्या काम हो जाता है? इसमें आप जो चावल धान रहते हैं ना, धान डालोगे तो आपका चावल पूरा क्लियर निकलेगा। और जैसे अपना चना दाल है ग्राइंडिंग करने के लिए बेसन, तो आप चने डालोगे ना तो दाल आपकी पूरा ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। और गेहूं भी साफ हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा, गेहूं साफ हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया। और ये अपनी पल्वराइजर मशीन है। अच्छा जी, जी हाँ, ये सभी साइज में अपने पास 1 HP 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP और 7.5 HP। ये साइक्लोन कौन सी मशीनों के रखे? ये अपनी पल्वराइजर मशीन है, हैवी ड्यूटी माइल्ड स्टील वाली की पल्वराइजर है। अच्छा जी, मतलब साइक्लोन सब तैयार रखा अपने मशीन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।